दोस्तों, क्या आपने कभी दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा देखा है जिसका साइज एक कुत्ते के बराबर होता है? और क्या आपने कभी दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया के बारे में सुना है जिसका आकार एक मधुमक्खी के बराबर होता है? दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिसर्च के अनुसार पृथ्वी पर कुल 80,70,000 जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनमें से कुछ प्रजातियाँ बहुत ही विशालकाय होती है और कुछ प्रजातियाँ बहुत ही छोटी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही छोटी प्रजाति के जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही क्यूट और अनोखे होते हैं, और इन्हें रियल देखते ही आपको इन्हें खिलाने का मन भी होने लगेगा। तो दोस्तों, दुनिया के 5 मोस्ट स्मॉलेस्ट एनिमल्स को देखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 5, पिग्मी मार्मोसेट। यह बंदर की सबसे छोटी प्रजाति है जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी अमेजन के वर्षा वनों में पाए जाते हैं। ये मंकी इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें अपनी जेब में आसानी से रख सकते हो। अगर बात करें इनकी साइज की, तो इनका साइज 4 से 6 इंच तक और इनका वजन सिर्फ 100 ग्राम ही होता है, और इनके पूंछ की लंबाई लगभग 8 इंच यानी कि 20 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। इनका आकार एक चूहे के बराबर होता है, जिसे आप अपनी हथेली पर रखकर कहीं भी आसानी से घूम सकते हो। ये मंकी इतने क्यूट होते हैं कि लोग इन्हें खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। ब्राउन और ब्लैक कलर होने की वजह से ये बहुत ही क्यूट लगते हैं, इसीलिए लोग इन्हें पालना पसंद करते हैं। ये मंकी नॉर्मल मंकी की तरह ही चालाक और गुस्सैल भी होते हैं। क्यूट से दिखने वाली ये मंकी ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोलिविया के जंगलों में भी पाए जाते हैं। जंगलों में ये मंकी अधिकतर पौधों की पत्तियाँ और इंसेक्ट्स को खाना पसंद करते हैं। नंबर 4, मिनिएचर हॉर्स। ये दुनिया का सबसे छोटा हॉर्स है जो कि बहुत ही क्यूट लगता है, जो कि नॉर्मल घोड़ों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा हल्का और छोटा होता है। ये हॉर्स साइज में इतने छोटे होते हैं कि किसी इंसान के घुटने तक ही आ पाते हैं। इनका साइज आप एक डॉग के बराबर मान सकते हो। इन हॉर्स के ऊपर सवार तो नहीं हो सकते, लेकिन बच्चे इस हॉर्स के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए लोग इनके साथ खेलने और बच्चों के मनोरंजन के लिए इन हॉर्स को खरीदते भी हैं। आपको बता दें कि ये घोड़े 34 इंच से ज्यादा बड़े नहीं हो सकते, और इनका वजन लगभग 15 से 20 किलोग्राम तक ही होता है। इन हॉर्स में बौने होने का कोई सबूत नहीं मिला है, क्योंकि मिनिएचर हॉर्स जन्म से ही छोटे होते हैं। नॉर्मल हॉर्स की तरह ना ही इनसे काम लिया जा सकता है और ना ही इन पर सवारी की जा सकती है, क्योंकि ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। नंबर 3, पिग्मी जेरबोआ। चूहों की ये प्रजाति छोटी होने के साथ साथ क्यूट और अनोखी भी होती है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका और ईस्ट एशिया के इलाकों में पाए जाते हैं। आपने चूहों को उछल कूद करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन ये चूहा उछल कूद करने में नॉर्मल चूहों से बेहद अलग है। वो इसलिए क्योंकि इनके 4 पैर होते हुए भी ये चूहे 2 पैरों पर कंगारू की तरह जंप करते हैं। ये चूहे सिर्फ 4.5 सेंटीमीटर तक ही बढ़ पाते हैं, और इनकी पूंछ इनके शरीर से काफी लंबी होती है, जिसकी लंबाई करीब 3 इंच तक होती है। इनके पिछले पैर काफी लंबे होते हैं, जिनकी मदद से ये बहुत ही ऊंचाई तक उछल सकते हैं। ये चूहे तो साइज में छोटे होते ही हैं, लेकिन इनके कान खरगोश की तरह काफी बड़े होते हैं। क्यूट से दिखने वाले ये चूहे काफी फुर्तीले होते हैं। इनका जीवन काल मात्र 2 साल का होता है। लोग इन चूहों को पालने के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपए खर्च करने को भी तैयार हो जाते हैं। नंबर 2, स्पेकल्ड पेडलोपर टॉर्टोइज। साउथ अफ्रीका के समुद्री तट पर पाया जाने वाला यह कछुआ दुनिया का सबसे छोटा कछुआ है। इनकी बॉडी पर ऑरेंज और ब्राउन कलर का एक चपटा खोल होता है, जो कि ब्लैक कलर के धब्बों से ढका हुआ होता है। ये खोल नॉर्मल कछुओं की तरह ही बेहद मजबूत होता है। इस कछुए की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर तक होती है, और अगर बात करें इसके वजन की, तो इसका वजन 95 से 165 ग्राम होता है। ये कछुए ज्यादातर शुष्क इलाकों में रहना पसंद करते हैं, और इनका जीवन काल भी नॉर्मल कछुए की तरह ही बहुत ही अधिक होता है। आकार में छोटा होने की वजह से शिकारी पक्षी अक्सर इनका शिकार कर लेते हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये कछुए चट्टानों या फिर पथरीली जगहों में सिकुड़कर छिप जाते हैं। नंबर 1, बी हमिंगबर्ड। क्यूबा के जंगलों में पाई जाने वाली ये चिड़िया दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, जिसे हमिंगबर्ड के नाम से जाना जाता है। इनका वजन लगभग 1.95 ग्राम और इनकी लंबाई करीब 5.5 सेंटीमीटर ही होती है। इस चिड़िया का नाम मधुमक्खी के आधार पर रखा गया है, क्योंकि इस चिड़िया का साइज मधुमक्खी से बस थोड़ा ही ज्यादा होता है। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये चिड़िया अपने पीछे और लेफ्ट राइट भी उड़ सकती है, और पक्षियों की तरह ही ये बर्ड उड़ने में बहुत ही तेज होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बी हमिंगबर्ड के अंडे कॉफी के दाने के बराबर होते हैं। इस क्यूट सी दिखने वाली चिड़िया को रियल में देखना हर किसी के नसीब में नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों,
दोस्तों, दुनिया भर के स्मॉलेस्ट एनिमल्स में से आपको सबसे ज्यादा क्यूट एनिमल कौन सा लगा, और क्या आप इन एनिमल्स में से किसी को पालना पसंद करोगे? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अद्भुत और रोचक जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।